नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग 10x15 साइज का जो कॉलम तैयार करते हैं, अगर आप 10 फीट 10x साइज का कॉलम तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना सीमेंट लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, कितना बालू लगेगा, साथ ही इसमें कितना रेट लगने वाला है, इन बातों को हम लोग डिस्कस करने वाला है। 10x15 साइज के कॉलम में कितना मटेरियल लगेगा, तो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल वीडियो होगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहे, चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और वीडियो को शुरू। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं कॉलम मटेरियल कैलकुलेशन। हम लोग साइज क्या 10x15 का जो हम लोग बनाते हैं, 10x15 साइज का जो हम लोग कॉलम बनाते हैं तो उसमें 10 फीट हाइट जब खड़ा करते हैं उसमें कितना मटेरियल लगेगा उसी को डिस्कस करना है हमें। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो हमें रिक्वायरमेंट है सारा चीजों को लिख रखा है, क्योंकि वीडियो में लेंथी ना हो और लंबा वीडियो ना बने इसीलिए मैंने सारा चीजों को लिख रखा है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करने वाले हैं, जिसमें अगर एक बोरी हम सीमेंट लगाते हैं तो हमारा डेढ़ बोरी क्या लगाना है, गिट्टी लगाना है, और तीन बोरी क्या लगाना है, एग्रीगेट, सॉरी बालू डेढ़ लगाना है और तीन आपको क्या लगाना है, एग्रीगेट, जिसे हम गिट्टी कहते हैं, ठीक है, कोर्सर एग्रीगेट। और 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है जान लीजिए, 35.3532 होता है एक्चुअली, ठीक है, 32 CFT होता है, इससे हमको जरूरी पड़ेगा इसलिए मैं पहले लिख के रखा हूं। तो सबसे पहले हमें वेट वॉल्यूम ऑफ कॉलम निकालना पड़ेगा। वेट वॉल्यूम ऑफ कॉलम कैसे निकालेंगे हम लोग, 10 इंच × 15 इंच और 10 फीट क्या है हमारा बिल्डिंग का हाइट है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इंच में है तो इसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर लेंगे, 12 × 12 10 × 10 × 15 डिवाइडेड बाय 12 तो टोटल यहां से आपको आ जाएगा 10.16 CFT, यहां से आपको निकल के आ जाएगा इतना CFT आपका आ जाएगा वेट वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हमारा वेट वॉल्यूम आ गया, अब हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोफिशियंट से, जो हमारा 1.54 होता है कोफिशियंट, ठीक है, कोफिशियंट से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा × 1.54, इतना CFT आपका आ जाएगा क्या, ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसे CFT है तो सबसे पहले हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 35.32 से डिवाइड कर दीजिए, 35.32 से डिवाइड कर दीजिए तो यहां से आ जाएगा 0.45, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना, कैलकुलेशन अपने करना, 0.54 आ जाएगा आपका, इतना मीटर क्यूब आपको कंक्रीट लगने वाला है एक कॉलम 10x15 खड़ा करने में और 10 फीट खड़ा करने में, ठीक है। तो अब हम लोगों ने पहले कैलकुलेशन से लिख रखा है ये चीज कि 1 मीटर क्यूब अगर हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे तो कितना हमको बैग, इससे पहले हम लोगों ने वीडियो पे बना रखा है इसलिए मैं उस चीज को पहले लिख कर रखा हूं कि सीमेंट जो लगता है 400 kg लगता है, सैंड जो लगता है 15 CFT और एग्रीगेट जो लगता है आपको 30 CFT लगता है, क्योंकि एग्जैक्ट डबल लगने वाला है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 मीटर क्यूब में इतना लगता है, 0.45 मीटर क्यूब में कितना लगेगा, 0.45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 में, 181 kg आपको सीमेंट लगेगा, 181 kg आपका सीमेंट हो गया। अब सैंड की बात करें तो 15 × कर दीजिए आप, 0.454 आपको आ जाएगा, 6.81 CFT आपका सेंड आ जाएगा। एग्रीगेट की बात करें, इसका एग्जैक्ट आपको डबल क्या होगा, एग्रीगेट लगेगा, क्योंकि रेशियो 1:1.5 का हमारा, इस चीज को ध्यान रखना, तो ये कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, 13.62, ठीक है। अब हमें रेट पता है कि 420 रुपए में आपको एक बैग आपको सीमेंट अभी मिल जाता है जो 50 kg का होता है, डिवाइडेड बाय 50 कीजिएगा तो 8.4 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिलेगा। तो 181 × कर दीजिए आप, 8.4 रुपए प्रति केजी, तो मतलब कितना, 1520 रुपए का आपको सीमेंट खर्चा होगा। 6.81 × आप कर दीजिए पर CFT 60 रुपए आपको बालू मिल जाएगा, ठीक है, तो बालू में 408 रुपए का खर्चा आपको आ जाएगा। अब गिट्टी की बात करें, 13.62 CFT लगना है, 70 रुपए CFT गिट्टी चल रहा है अभी, तो गिट्टी में आपको 993 रुपए खर्चा आ जाएगा गिट्टी में, ठीक है। अब टोटल कैलकुलेशन जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1520 प्लस 408 प्लस 953 रुपए, ठीक है,
तो टोटल आ जाएगा आपको कितना 2881 रुपए। टोटल 2881 रुपए 10x15 का अगर कॉलम खड़ा करते हैं तो आपको मटेरियल क्या क्या सीमेंट गिट्टी बालू में लगेगा, ठीक है। इसके प्लस से आपको छर लगने वाला, स्टील लगने वाला। हम लोग क्या देखे किसका एस्टिमेशन, सबसे पहले एस्टिमेशन देखे, उसके बाद कॉस्टिंग भी देखे किसका, सीमेंट सेंड और एग्रीगेट का 10x15 के कॉलम में, और 10 फीट अगर हाइट का आप बिल्डिंग बना रहे हैं आप लोग खुद डिवाइड 10 से कर दीजिए पर स्क्वायर फीट, जैसे बढ़िएगा उस मल्टीप्लाई करके आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक रहेंगे, आशा करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।